ये है इंसाफ का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। यहाँ पर लोग आते हैं उस न्याय की उम्मीद लेकर, और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता, उनको मिलती है सिर्फ तारीख। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, जहाँ पर एक राजस्थान की कुछ पीड़ित लोग आए हुए हैं, जिनकी जो जमीन है दबंग लोगों ने कब्जा की हुई है, उस संबंध में बातचीत होगी। यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। वकील साहब, आपके पास आज जो ये मामला हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ राजस्थान के व्यक्ति हैं सर, आपके हाथ में फाइल है, क्या सारा मामला है सर बताइए। एक्चुअली ओम प्रकाश ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जमीन है, जो इनको 1970 में अलॉटमेंट हुई थी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी इन्हीं का नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी नागौर जिले के में ये जमीन है, और जहाँ पर जो है कुछ दमंग लोगों ने उस जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं, और अपने धन के दौलत और धन बल के दौलत उस पर उस कब्जे को जो है वो खाली करना नहीं चाहते हैं, और उसी पर वो कब्जा बनाए हुए हैं। और ये गरीब आदमी परेशान है नीचे से ऊपर तक, 40 साल हो गए इसको कोर्ट के धक्के खाते हुए, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी न किसी प्रकार से मैटर को जो है वो लिंगर ऑन होता चला जा रहा होगा, इसलिए आए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से इनको उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालना चाहते हैं सर। लेकिन 40 साल में जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राजस्थान भी किसी न किसी कोर्ट के अंदर जरूर इनका मैटर चल रहा होगा, तो राजस्थान के कोर्ट से क्या इनको आश्वासन मिला, क्या मामला हुआ या वहाँ प्रक्रिया क्या है? अभी राजस्थान में वो पेंडिंग मैटर पेंडिंग है, अभी वहाँ तक कोई भी कुछ वहाँ पर कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ये वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम एक रिट में या जो भी अप्रोप्रिएट जो उसकी जो रिलीफ बनती है उसमें ये अप्रोच करें और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही जानकारी हमारे पास ये है कि वहाँ के जो है संबंधित विभाग ने लेकिन इनके हक में फैसला सुनाया हुआ, जैसे कि डॉक्यूमेंट इन्होंने आपको दे रखे हैं सर, उन्होंने क्या ऐसा फैसला सुनाया हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किएगी, सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, उसमें देखेगी, हो सकता है स्पीडी ट्रायल के लिए उन्होंने कहा कह दें कि भाई जस्ट जेल इनके केस का जो है निपटारा हो, और जस्ट जेल फैसला, क्योंकि ऑलरेडी ये 40 साल तक धक्के खा चुके हैं और अब तक हैं, एक पीढ़ी इनकी धक्के खा चुकी है, दूसरी पीढ़ी अब उनसे सहाने को तैयार नहीं है, वो नहीं चाहती है कि दूसरे हम भी धक्के खाएं, जैसे मेरे पापा ने धक्के खाया तो हम भी धक्के खाएं, तो इसलिए ये आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो भी अप्रोप्रिएट जो इसका जो है रिट बनेगी या जो भी अप्रोप्रिएट रिलीफ बनेगी उस तरह से करके इसको डाला जाएगा। तो सर आपको उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं इनको जो है 40 साल की इनकी जो एक तपस्या है, हम तपस्या ही कहेंगे, जब दो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं तो 40 साल तो एक तपस्या ही मानी जाएगी, क्या इनकी तपस्या पूरी हो पाएगी? बिल्कुल होगी, उनको उम्मीद है और सभी को उम्मीद है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, तो इन्हें भी वही उम्मीद है। चलिए चलकर आए हैं दिल्ली की तरफ, आपने रुख करा है देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख करा है, क्यों करना पड़ा आपको देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख? सबसे पहले हमें न्याय नहीं मिल रहा सर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि हमारे जमीन का है सर। क्या मामला? जमीन का है श्रीमान जी। पहली मैं आप मीडिया वालों को शुक्रिया करूँगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सुप्रीम कोर्ट जज साहब हेड साहब है उनके पास पहुँचावे, ताकि हमारे न्याय दिलावे। आपकी आपसे हाथाधोड़ी बीनती है, और हम आज 40 साल से धक्का खा रहे हैं, और हमारे संक्षिप्त में इंदिरा गांधी ने अलॉटमेंट की दलित गरीबों को जमीन, 46 बीघा अलॉटमेंट है, वो दमंग लोग और आमने लोड ने जाटों को बेच दी फर्जी तत्व बताकर, और जाटों ने आज तक कब्जा कर रखा है, हमारे सब ऑर्डर हो चुके हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक अप्लीकेशन गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में अप्लीकेशन गई हुई, लेकिन आज तक हम तो न्याय नहीं मिला, इसलिए हमने मीडियम के माध्यम से और वकील साहब के माध्यम से यहाँ आए हूँ, और ये पालीवाल साहब हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो मोदी जी, इनसे इनका भी बहुत बहुत मेहरबानी है, जो हमारे दलितों के लिए इन्होंने हमारे साथ सहयोग में आए और हमारे किया भी सच्चाई लड़ाई न्याय की है, तो हम आपके साथ है। और मैंने ताकतों के खिलाफ आपने प्रदर्शन किए हैं, कहाँ तक आप साथ देंगे इन गरीब दलितों का, क्योंकि आप खुद भी कहीं ना कहीं उस समाज को महसूस करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रकांत साहब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में यहां पहुंचे हैं, मामला ये है, ये मामला राजस्थान का है, दलित समाज के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जमीन है, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोनों खाने जोतने के लिए इनको अलॉटमेंट किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पर तभी कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा किया, और उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए लगभग 40 से 48 सालों से
लगभग 3 पीढ़ियों से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का हाई कोर्ट हो, वहाँ का प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक गरीब आदमी, एक दलित आदमी, इस देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय मिलने में इतना विलंब हो रहा है कि जिसमें निराश होकर के, परेशान होकर के आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हम लोग पहुँचे हैं। हमारा ऐसा मानना है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन, ये आग्रह करना चाहते हैं कि गरीबों को, जो जो बेचारे जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है खाने के लिए, कैसे उनको इंसाफ मिलेगा? 3 पीढ़ियां जा चुकी हैं, उनके दादा न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मर चुके हैं, उनके पिताजी मर चुके हैं, और अब वो न्याय के लिए, ये समझ लो, इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं उनकी एज को, उनकी आयु को, आखिरकार कितनी पीढ़ियों से, कितने समय तक ये लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आखिरकार कितनी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि इनको शीघ्र ही, यथाशीघ्र ही न्याय मिल सके। कम से कम 10 साल 40-50 साल इनको न्याय के लिए लड़ते हो, और अभी ये भी को निश्चित नहीं है और कितने 50 साल इनको लड़ना पड़ेगा, शायद ये भी ना रहे, 3 पीढ़ियां जा चुकी, ये भी ना रहे। तो हमारा ये कहना है कि इनको यथाशीघ्र न्याय मिले। और हमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल, सरोकार मीडिया ग्रुप का एडिटर इन चीफ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी न्यायपालिका की तरफ लोग रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं वे विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक अमले से जो है परेशान होते हैं, उनसे प्रताड़ित किए जाते हैं, इसलिए न्यायालय की शरण में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सारे देश की निगाह में जो है सम्मान का जो है धोतक है, लेकिन ये बात भी सच है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 75वें साल में हमारी आज़ादी हुए देश को बीत गए हैं, हम लोग जो है आज़ादी की 75वीं सालगिरह अभी मनाई है हमने अगस्त में, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो है न्याय सुलभ नहीं हो पाया, सस्ता न्याय नहीं हो पाया, समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय मिले इसकी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत लचर और सुस्त है। निचले कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आना होता है, इस बीच में लोगों को अपने न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब लोगों का होता है, कमज़ोर लोगों का होता है, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ का होता है, जिनके पास धन का अभाव है, और इनके मुकाबले बड़े उद्योगपति, दबंग लोग और सरमायादार लोग न्याय को कठपुतली बनाकर खेलते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब को एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे सारे देश के कोर्ट्स को एक निर्देश हो कि हर तरह के मामले मैक्सिमम 10 साल के अंदर उनका निर्धारण हो, लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में समयबद्ध तरीके से अगर जो है एक ड्राफ्टिंग होके चली जाए सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच के निर्देश के अनुसार, तो ऐसी स्थिति ना हो कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लंबी प्रोसेस है, केस लटकते हैं 10-10, 15-15 साल, वो एक तो लटकना बंद हो जाएंगे, गरीब तबके को, कमजोर तबके को सस्ता और सुलभ और समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सकेगा। आपने चलाए पहुंचे थे, आप पहुंचे थे दिल्ली से, हम हमारे लांबा जाटन गांव में आए थे, सलमान फारूक साहब जी, सलमान साहब, और हमारे इनका बहुत बहुत मेहरबानी है, जो पूरा खेत का वीडियो। बड़ा सवाल है आपसे, क्यों आपके, हमें दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, आखिर क्यों जाना पड़ा? वहाँ पत्रकार वहाँ हमारे गाँव के अंदर है ही नहीं, पत्रकार साहब गाँव के अंदर पत्रकार ही नहीं होते सर हमारे वहाँ। तो न्याय व्यवस्था के दरवाजे खटखटा रहे, क्या इतना लंबा न्याय होना चाहिए कि 2-4 पीढ़ियां खत्म हो जाए? नहीं, जो आप न्याय व्यवस्था की अभी हमारे पत्रकार साहब जो वो कह रहे थे कि एक सिस्टम तो होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि एक सिस्टम होना कि 10 साल के अंदर, 15-10 साल के अंदर, मिनिमम 10 साल के अंदर तक आदमी हो जाए, 1-2 साल लोअर जुडिशियरी रहे, 1-2 साल सेशन कोर्ट रहे, 1-2 साल हाई कोर्ट रहे, मतलब ऐसे करके 10 साल के अंदर आदमी को न्याय मिल जाना चाहिए। इतनी लंबी अगर न्याय व्यवस्था को की जाएगी
तो आदमी जो है वो न्याय करते हुए होता है कि इंजस्टिस होने लगेगा, वो सही ढंग से हो रही है, इट विल बी द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होने लगेगा। और ये इसका फायदा जो उठाते हैं ये लोग जो पैसे वाले हैं वही इसको जो है इसको उठा पा रहे हैं, ठीक है ना। वो इसका टू मेक कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर्स हैं अनुच्छेद 142 में कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्ण इंसाफ करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है इस मामले में भी किसी भी मामले में। चाहिए आज भी, अभी आपने जिक्र किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मैं इस क्रम में कहना चाहता हूं ये जो सरकारें होती हैं इन सरकारों में हमेशा संरक्षण दबंगों को होता है, और ये दबंग लोग किसी भी सरकार को, सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार में अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, धन संपत्ति से अपने पावर से जमा लेते हैं, और उसका शोषण कहीं ना कहीं गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, उनको होता है। संख्यौगिक पार्टी कहती है तो आखिरकार क्यों कांग्रेस की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ ये सब जो दलित मोह और पिछड़ों का मोह, अल्पसंख्यकों का मोह, ये केवल दिखावा है? आखिरकार क्यों धरातल आपके सामने है? 48 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं को समयबद्ध तरीके से न्याय मिले। अक्सर ये होता है कि जो भी घटना या केस मीडिया में हाईलाइट हो जाता है तो उसको तो जो है संज्ञान लेके, स्वतः संज्ञान लेके न्यायालय जो करता है, और इस तरह के हर स्टेट में जो है पीड़ित लोग हैं, उच्च जाति का भी हो सकता है, धनाढ्य व्यक्ति भी हो सकता है, न्याय मिलना चाहिए। और उसमें जो प्रशासनिक दांव पेच करते हैं स्थानीय पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी दंड देने का प्रावधान किया जाए, ताकि दलित भाइयों की, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को जो जमीनें मिल जाती हैं उसको जो है कागजों में हेर फेर करके स्थानीय लोग गड़बड़ करते हैं, उनको सख्त दंड देने का प्रावधान भी कानून में रख दिया जाए। तो ऐसा दुस्साहस लोग ना करें, दबंगों का साथ ना दें, पैसे वालों का साथ ना दें और सरमायादार लोगों का साथ ना दें, और न्याय से डरें। ये आपको हाँ, मिलेगा अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है साहब के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने को ये मालूम पड़ेगा कि भाई इनकी ये पत्रकार में आवाज उठाई, पत्रकार जो आधे हमें अभी पुलिस वालों से खतरा है, अधिकारियों वो अधिकारी मेरे को झूठा फंसा देते हैं, मेरे बच्चे को फंसा देते हैं, मेरे को अंदर डला देते हैं सर, हम परेशान हो गए सर, बहुत परेशान है, मेरा आपसे भी लड़ाते हैं, हमारे परिवार को दारू पिलाते हैं और मेरे से झगड़ा करवाते हैं, और पुलिस वाला मेरे को अंदर कर देते हैं, और वो दमन है वो पुलिस वालों से मिला हुआ है, वही जाट थानेदार होता है, ड्यूटी एसपी जाट होता है, और मैं जाट सब एक जैसे नहीं होते, वो कोई कोई ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अन्याय करता है सर, इसीलिए सर मैंने हाथ जोड़ के बेनती है कि साहब और आप सबको बेटे लो, हमारे परिवार ने बचा बचा से भी मेरे न्याय है तो दे, आप न्याय नहीं न्याय तो आप मन मत दो साहब न्याय, बाकी पुलिस वाला मैंने परेशान कर दिया और हमारे बच्चा जिंदगी खराब कर दे, बी एड कर रहा है मेरे बच्चा बड़ा वाला, तो वही उसको टेंशन है, अंदर पुलिस वाला ने बंद कर दिया हमारे हमारे परिवार को, दारू पिला पिला के वो लड़वाते झगड़ाते हमारा आपसी में, और मैं परेशान हो गया, हमारे दादा परदादा मोहन राम जी खत्म हो गए और सब खत्म हो चुके, नैना राम खत्म हो चुके, अब हम भी हमारे को खत्म करने के वो कैसी तरीके हथकंडा अपना सकता है, वो पैसे वाली पार्टी है। और इन्होंने